यहाँ पर हम विंडो के बारे में देखेंगे कि हमारी विंडो कैसी रहती है, हमारे जो मकान जो हम रूम बनाते हैं उसका उसका साइज कितना होना चाहिए, उसके हिसाब से हमारे जो विंडो रहेगी उसका साइज कितना होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर हम तीन चार चीज़ देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे विंडो के बारे में। ठीक, तो विंडो में पहले नंबर पे मैं दिखाता हूँ कि जो ये मान लो कि हमारा कमरा है, इस कमरे में हमें एक विंडो बनाना है। ठीक, ये ऊपर से दिखा रहा हूँ, तो ये विंडो हमारे यहाँ से ऐसी रहेगी, इस जगह में मेरे को विंडो देखना है। ठीक, तो इस विंडो का एरिया क्या रहेगा, ठीक है ना, क्षेत्रफल क्या रहेगा, इस एरिया से जो हमारे रूम का एरिया है ना, इस एरिया से इसका एरिया डिसाइड होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखे जाए तो जो इसका जो न्यूनतम एरिया है, खिड़की का जो न्यूनतम एरिया है यानी विंडो का जो न्यूनतम यानी मिनिमम एरिया है, वो कमरे के क्षेत्रफल का कितना रहता है, कमरे का क्षेत्रफल का 15%। यानी अगर जो ये 100 स्क्वायर मीटर है तो 15 स्क्वायर मीटर की हमारी विंडो देनी पड़ेगी, कितने 15 स्क्वायर मीटर की। यानी ऐसे दिखाता हूँ मैं सामने से, ये हमारे ये साइड साइड में साइड से देख रहे हैं हम, तो इसमें मान लो कि ये हमारा रूम है, तो इसमें विंडो हमारी कितनी देनी पड़ेगी, इस साइड में दे या सेंटर में दे, ये हमारी विंडो कितनी देनी पड़ेगी, ऐसे 15 स्क्वायर मीटर में। यानी पूरा हमारा एरिया कितना है, ये वाला एरिया हमारा 100 स्क्वायर मीटर का एरिया है, इस वॉल का, सॉरी वॉल का नहीं, इस रूम का, जो हमारा रूम रहेगा इस रूम का कितना है, ये पूरे रूम का एरिया कितना है, अंदर का 100 स्क्वायर मीटर का एरिया रहेगा। तो विंडो के हमें इस रूम का एक ही विंडो हमारा कितना 15 स्क्वायर मीटर का होना चाहिए। ठीक, ये 15 स्क्वायर मीटर कोशिश ये रहेगी कि चार विंडो देने की जगह एक ही विंडो देंगे हम एक ही रूम में। ठीक, तो कितनी होगी, 15% तो होना ही चाहिए 100% का एरिया का। ठीक, दूसरी चीज़ यहाँ पर देखते हैं कि जो अधिकतर बिल्डिंग बनती है, पहले हमने चीज़ क्या देखी कि हमारा 100 स्क्वायर मीटर का अगर जो हमारा रूम है तो उसमें 15 स्क्वायर मीटर की हमारी, सॉरी हाँ 15 स्क्वायर मीटर यानी बोले तो 15%, 15% हमारा कितना, हमारा 100 की जगह कितना हो, यानी 20 स्क्वायर मीटर का ही हमारा रूम हो, तो इसमें कितनी 15%, कितना 15% इसका कितना रहेगा, विंडो रहेगा। ठीक, यहाँ 100 है तो 100 का 15% 15 ही रहेगा। ठीक, दूसरी चीज़ में हम देखेंगे कि जो अधिकतर बिल्डिंगें बनती हैं तो उसमें खिड़की का जो क्षेत्रफल रहेगा, जो खिड़की का यानी विंडो का जो क्षेत्रफल रहेगा, कमरे का क्षेत्रफल का 20% होना चाहिए। अधिकतर जगह कितना होना चाहिए, ये मिनिमम बताया मैंने, और ज़्यादा ज़्यादा कितना रख सकते हो, यानी हमारा जो रूम का जो एरिया रहेगा उसका कितना होना चाहिए, ये तो कम से कम बताए, अब ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए, 20%, कितना 20%, कम से कम हमारा 15% होना चाहिए, 14% होगा तो भी चलेगा, लेकिन स्टैंडर्ड जो है 15% है मिनिमम, और मैक्सिमम 20%। ठीक, इस एरिया का 20% हमारा क्या होना चाहिए, ये विंडो होना चाहिए, ये साइड में जो हम विंडो देते हैं, ये साइड में दिख रही है ये जो विंडो, ये कितनी होना चाहिए, ये 20% होना चाहिए पूरे एरिया का, किसका, नीचे क्षेत्र पर फ्लोर का एरिया का, फिर फर्श के एरिया का। ठीक, दूसरी चीज़ हो गई हमारी, तीसरी चीज़ यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा रूम रहेगा, जो रूम का हमारा वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम मान लो कि हमारा रूम का निकलता है कितना, 30 से 40 MQ, रूम का हमारा वॉल्यूम, मान लो ये हमारा कमरा है, इसका हमने वॉल्यूम निकाल लिया। ठीक, रूम का जो वॉल्यूम निकालेंगे तो उसके लिए कम से कम एक स्क्वायर मीटर खिड़की का यानी विंडो का एरिया होना चाहिए, सॉरी 1 स्क्वायर मीटर 1 MQ। यानी हमारा रूम का वॉल्यूम अगर जो 30 से 40 MQ होगा,
30 MQ से 40 MQ। अब 30 MQ से 40 MQ कैसे, जैसे मान लो कि एक रूम है हमारा, ये इसमें मान लो 10 × 5 × 2 है, ठीक। तो एक काम देखते हैं एग्जांपल के लिए कितना रहता है, 10 × 5 × 2, तो ये तो ज़्यादा हो गया, यानी 5 × 2 × 4 × 3, तो कितना हो गया, 24 हो गया। 2 × 5 × 5, तो कितना, 50 हो गया। 2 × 4 × 5, मान लो ये हमारा एरिया है, तो कितना, 40 हो गया। यानी यहाँ ये जो हमारा रूम है, ये मान लो हमारा कमरा है, इसका वॉल्यूम निकालता हूँ मैं, तो कमरे का वॉल्यूम मान लो कि ये हमारा कितना रहेगा, 2 × 4 × 5, ये मैंने कर दिया। यानी 2 मीटर इसकी हाइट ले ली, वो इसकी विड्थ मैंने ले ली कितनी, 2 मीटर × 4, और इसकी चौड़ाई इसमें 2 मीटर हाइट ले ली, 2 मीटर ये ले ली और 2 मीटर ये इधर वाली ले ली मैंने, ठीक। तो कितने LVD निकालूंगा, इसका वॉल्यूम निकालूंगा, तो 2 × 4 × 5 कितना हो गया, 40 MQ हमारा रूम का वॉल्यूम हो गया। तो इसमें जब खिड़की का हम वॉल्यूम निकालेंगे, तो खिड़की का हमारा वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 1 MQ। जो हमारी ये खिड़की बनाएंगे उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 1 MQ, ठीक। तो ये तीसरी, ये हमारी एक और चीज़ हो गई, इसमें चौथी चीज तीसरी हो गई। अब चौथी में बात बताता हूँ आपको, यहाँ पर हमारा क्या चल रहा है, विंडो। तो तीसरी चीज हम देखते हैं यहाँ पर कि जो हमारी खिड़की में, सॉरी विंडो में कांच के क्षेत्रफल कमरे का क्षेत्रफल का कितना होता है, कमरे का एरिया कितना होता है, ठीक। तो जो हमारी ये मान लो कि हमारा रूम है, ये टॉप से देख रहे हैं हम, इसमें हमारा ग्लास लगाना है, यानी एक विंडो लगानी है जो कि कांच की विंडो लगानी है, ठीक। तो उसका एरिया कितना होना चाहिए, मतलब कितना परसेंट इसका होना चाहिए। मान लो कि ये हमारा कितना होता है, ये हमारे कमरे का क्षेत्रफल का कितना है, ये कमरा मान लो कि हमारा कितना है, 100 स्क्वायर मीटर का हमारा कमरा है, तो ये हमारा कितना रहेगा, 10 स्क्वायर मीटर। यहाँ पर हम विंडो की जगह अगर जो ग्लास वाली विंडो लगा रहे हैं, तो हमारा इसका एरिया कितना रहेगा, 10 स्क्वायर मीटर, ठीक। 100 स्क्वायर मीटर का हमारा अगर जो रूम रहेगा, तो उसमें से 10 स्क्वायर मीटर हम लगाएंगे, यानी 100, यानी इसका कितना, मान लो हमारे पास एरिया नहीं हो, ये है हमारे पास एरिया नहीं है, तो इसमें हमें विंडो लगाने, तो कितने का लगाएंगे, 10 स्क्वायर मीटर का, 10% 10% हम इसमें लगाएंगे, ठीक। पूरे एरिया का 10%, यानी ये ग्लास लगाएंगे इस जगह पे, ठीक। चौथी चीज कि हमारा ये रूम है, इसमें हम एक विंडो यहाँ दे देते हैं, एक यहाँ दे देते हैं, ठीक, और एक यहाँ दे देते हैं, एक यहाँ दे देते हैं, तो कोशिश करें कि हम 4 की जगह 2 विंडो दें, या कोशिश करें कि इस रूम में एक ही दें, ये एक ही विंडो दे दें, ठीक। पांचवी चीज जो हमारे गवर्नमेंट बिल्डिंग रहती है, उसमें उसमें जो हमारा हॉल रहेगा, हॉल ये जो रूम रहेगा, उसमें उस रूम का जो एरिया रहेगा, इसमें मान लो ये हॉल का जो एरिया है, इसका कितना विंडो कितना परसेंट रहेगा, इसमें रहती है 20%। इसमें कितना परसेंट होना चाहिए, 20% इसकी विंडो होना चाहिए, ठीक। दूसरी चीज 6 नंबर पे एक और चीज बताता हूँ, मान लो कि हमेशा जो एक विंडो रहेगी, इसकी चौड़ाई निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी है कि इस विंडो की चौड़ाई कैसे निकालते हैं, ये वाली, जैसे कि ये बिल्डिंग हमारी
ये साइड से देखें तो ये वाली विंडो है, इसकी ये चौड़ाई कैसे निकालते हैं, ये हाइट की बात नहीं हो रही, सिर्फ यहाँ पर चौड़ाई की बात नहीं, ये चौड़ाई निकल गई तो ये वाली इस साइड की भी निकल जाएगी। अगर ये स्क्वायर में हमें देना है विंडो, तो मान लो इस साइड की चौड़ाई हम कैसे निकालते हैं वो हम देखते हैं। तो इसका फार्मूला क्या है, 1/8 ब्रैकेट में जो हमारा ये रूम रहेगा, ऊपर से हम देखते हैं रूम, तो रूम की इस तरफ की चौड़ाई, इस तरफ की चौड़ाई और रूम के दूसरे तरफ की ऊंचाई, ठीक, यानी ये हमारा कमरा हो गया, इसकी चौड़ाई और ये ऊंचाई, यहाँ दिखाता हूँ मैं, यह है इसकी चौड़ाई और ये ऊंचाई, इससे हमारी विंडो की चौड़ाई कैसे निकलती है इस फॉर्मूले से। तो यहाँ की चौड़ाई इस रूम की विड्थ, तो मान लो कि इसकी चौड़ाई मैं ले लेता हूँ कितनी, इसकी ले लेता हूँ मैं 5 मीटर कमरे की चौड़ाई, ठीक, दूसरी इसकी हाइट में कितनी ले लेता हूँ, ये विड्थ हो गई, ये हाइट, हाइट में ले लेता हूँ कितनी, 4 मीटर, ठीक, तो हमारी कितनी आएगी, ये हो जाएगी हमारी 9/8, यानी इसको जोड़ेंगे तो 9/8 हो जाएगा, ये हो जाएगी 1.125, ये हमारी जो चौड़ाई रहेगी इस विंडो की, ये वाली चौड़ाई, यानी इस साइड में देखेंगे तो जो ये वाली हमारी चौड़ाई रहेगी कितनी होने की होनी चाहिए, 1.125, ये इससे ऐसे निकाल सकते हैं इसको, ठीक, थैंक्स।